आप देख रहे हैं टीएनबी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मामला सामने आया है जो कि इस वक्त काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में एक बालिग पत्नी ने अपने नाबालिग पति की कस्टडी मांगी, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। नाबालिग की मां ने अदालत में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला दिया कि नाबालिग को फिलहाल बाल संरक्षण गृह में रखना होगा। तो ये विस्तार में समझ लेते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल ये पूरा मामला एक 16 साल के नाबालिग लड़के का बालिग लड़की से शादी करने का है। आपको बता दें कि नाबालिग लड़के की मां ने कोर्ट में एक याचिका डाली थी, जिसमें उन्होंने अपने बेटे की कस्टडी मांगी थी, लेकिन बेटा अपनी मां के साथ नहीं रहना चाहता था और वो अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता था, लेकिन चूंकि वो नाबालिग था, इस वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर पति नाबालिग है तो वो बालिग पत्नी के साथ नहीं रह सकता। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग पति को उसकी बालिग पत्नी को सौंपना पॉस्को एक्ट के तहत अपराध होगा। जस्टिस जे मुनीर के बेंच ने फैसला देते हुए कहा, क्योंकि लड़का मां के साथ भी नहीं रहना चाहता, इसीलिए उसे 4 फरवरी 2022 तक बालिक होने तक आश्रय स्थल में रखा जाएगा। बालिक होने के बाद लड़का अपनी मर्जी से कहीं भी किसी के साथ भी रह सकता है, लेकिन तब तक उसे आश्रय स्थल में ही सारी सुविधाओं के साथ रखा जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस नाबालिग लड़के की सिर्फ पत्नी ही नहीं, एक बच्चा भी है। ऐसे में कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया कि लड़के के एडल्ट होने तक उसको आश्रय स्थल में रखा जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक बयान के दौरान ये बात भी सामने आई कि लड़का जबरन अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। ऐसे में कोर्ट ने नाबालिग लड़के की कस्टडी किसी को भी नहीं दी और उसको आश्रय स्थल पर रखने के आदेश दिए हैं और कहा है कि जब वो बालिग हो जाएगा तो वो अपने हिसाब से किसी के साथ कहीं भी रह सकता है। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।